अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ। थोड़ा से हम दोस्तों से बात कर रहे थे बाबर आजम के बारे में, और लोग पूछ रहे थे कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म क्यों हैं या क्या गलती कर रहे हैं। तो मेरा ऑब्वियसली कोचिंग का बैकग्राउंड है, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हो क्या रहा है। इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो बेसिकली मेरे हिसाब से बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा उनके हाथ जल्दी आ रहे हैं। सही है, जब आपके हाथ थोड़े से जल्दी आ जाते हैं, सेम एज टाइमिंग राइट, तो हाथ थोड़े से जल्दी आ जाते हैं तो फिर आपको जो है ना वो रूम नहीं मिलता अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने का, तो आप यू आर अहेड ऑफ योर बॉडी राइट। तो ये कब होता है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। ये कब होता है, जब आप थोड़े से ज़्यादा टेंटेटिव हो जाते हैं या अपने आप को इम्पोज करना चाह रहे होते हैं। बाबर आजम जनरली इज़ एन एलिगेंट प्लेयर और दैट इज़ वॉट वी लाइक अबाउट हिम। तो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा मेरा कोचिंग का बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा इस बारे में आपको फ्रंट ऑन और साइड ऑन बताऊँगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा। अगर हम देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब बॉल पिच होता है या बॉल आपसे एक दो मीटर करीब है, तो नॉर्मली बाबर आजम का जो है वो हाथ इधर होते हैं। सही है, फिर यहाँ से होता है कि वो उसको लेट खेल लेते हैं, यहाँ पे अपने करीब खेल लेते हैं। अभी ये हो रहा है कि जब बॉल उनसे एक या दो मीटर दूर है, तो उनके हाथ थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं। अब हाथ जब आपके जल्दी आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास रूम नहीं है पुश करने का। आप यहाँ तक जाएंगे, दैट्स इट। अब इससे थोड़ा सा आगे पुश करेंगे तो यू बिकम अहेड ऑफ योर बॉडी राइट। और बाबर आजम के साथ अभी यही हो रहा है, आपने देखा होगा जो एक दो दफ़ा वो लाइक बिफोर भी हुए, तो बैट उनका थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो अब यहाँ से यूँ नहीं कर सकते। सही है, जब जल्दी आ गया तो वो फंस गए। सेकेंडली ये कि अगर मैं साइड ऑन आपको दिखाऊं तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगर हम साइड ऑन देखें इसी चीज़ को, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब बाबर इज़ अबाउट टू प्ले अ शॉट या अबाउट टू अलाइन हिमसेल्फ टू प्ले, इंस्टेड ऑफ़ हिज हैंड्स बीइंग हियर, जो उनके जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं उनके हाथ यहाँ होते हैं, उनके हाथ थोड़े से यानी कि पहले उनके स्टांस में यही होते हैं, जब वो खेलने जाने लगते हैं तो उनके हाथ आगे आ रहे हैं। जब हाथ आगे आ रहे हैं तो आपके पास रूम थोड़ा सा है, इतना सा है कि इसको अलॉन्ग द ग्राउंड खेलें, ठीक है। तो इसमें आप टाइम नहीं कर पाते, तो इसमें ही विल एंड अप हिटिंग द फील्डर्स, जो हो रहा है क्योंकि वो ऑन एवरेज 10-12 बॉल सर्कल के अंदर ही डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि उनके हाथ थोड़े से जल्दी आ रहे हैं, और फिर यहाँ से जो है इतना सा रूम है अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने का। जब वो यूँ कर रहे हैं तो फील्डर को हिट कर रहे हैं, और जब वो पुश कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट ही इज़ लूजिंग हिज शेप। तो जब वो पुश कर रहे हैं तो जिस्म से आगे जा रहे हैं, तो जिस्म से आगे जा रहे हैं कि आप एरियल तो खेल सकते हैं लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड नहीं खेल सकते। तो उसमें एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ये है सिर्फ कि उन्होंने जब खेलने लगे तो अपने हाथ, अब मैं यहाँ पे मेरे हाथ है ना, तो किसने बाउंसर भी मारा तो मैं पुल खेल सकता हूँ। सही है, तो बाबर आजम के साथ क्या हो रहा है कि हाथ थोड़े से जल्दी हैं तो शॉट भी मार रहे हैं लोग, पुल शॉट पिच जब उनको कराते हैं इधर, तो वो पुल नीचे से ऊपर खेलते हैं जिसमें टॉप एज लगना, एक दो दफ़ा हमने देखा होगा कि आउट भी हुए। तो डिफरेंस यही है कि जब बाबर अच्छा खेल रहे होते हैं व्हेन ही इज़ अबाउट टू प्ले, यानी कि बॉल एक मीटर दूर है, तो उनका जो अगर ये वाला जो पार्ट है ना उनका, ये यहाँ होता है। सही है, तो उससे ये होता है कि वो ये बैट स्विंग इसको बोलते हैं। सही है, तो इससे वो टाइम कर लेते हैं। वेरस अभी क्या हो रहा है कि उनके हाथ थोड़े से जल्दी आ रहे हैं तो उनको रूम नहीं मिल रहा, और जब वो खेलना जा रहे हैं तो वो बॉडी से आगे खेलने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि छोटा सा जो है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इट हैपन्स विद बैट्समैन ऑल द टाइम्स। अगर आप मोहम्मद हफीज़ का देखेंगे अगेंस्ट स्टेन, पॉज करके वीडियो बेशक देख लें, तो जब बॉल उनसे एक दो मीटर दूर है ना, उनके हाथ पहले ही बॉडी पे आ गए, ठीक है, तो उनको फिर रूम नहीं मिलता। ओनली थिंग यू कैन डू फ्रॉम देयर इज़ आइदर लीव द बॉल देयर और पुश अहेड ऑफ योर बॉडी। तो जो अच्छे बैट्समैन हैं वो जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कॉमन मिस्टेक यही है कि जो है वो आपकी ज़्यादा टेंटेटिव हो जाते हैं या इम्पोज करना चाह रहे होते हैं, तो आपके हाथ थोड़े से जल्दी आ जाते हैं। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विद बाबर आजम। इसमें सोल्यूशन क्या है, ऑब्वियसली टाइमिंग थोड़ी सी आउट है तो हाथ पीछे करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। सेकेंडली कुछ लोग ये करते हैं कि कदम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि कदम यूज़ करने से होता है कि आपको मोमेंटम मिल जाता है, तो यू डोंट नीड टू थ्रो योर हैंड्स एट इट, ऑल यू नीड डू इज़ जस्ट अ लिटिल पंच। हम जो स्पेशली जो बाबर आजम की टेक्निक है वो बैट स्विंग पे ही सारी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो बैट लेट आते लाते हैं, गेंद स्विंग भी हो जाए स्विंग कवर करके मार देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाथ जल्दी आ रहे हैं तो गेंद जब स्विंग हो रहा है तो वो कवर नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे कि गेंद जो है वो हाथ जो है जल्दी है। मैं सामने से भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बॉलर है और उसका गेंद सामने से अंदर आ रहा है, सही है, और आपके हाथ ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, यू विल एंड अप मिसिंग द बॉल। लेकिन अगर आपके हाथ इधर हैं जिस समय आप देख सकते हैं, तो
मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट जब बॉल करीब आ जाता है ना 1-2 मीटर, ठीक है, आपके हाथ पहले तो इधर ही होते हैं सारों के, लेकिन थोड़े से जल्दी आ जाते हैं तो उसके बाद स्विंग आप कवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके हाथ पीछे से आ रहे हैं तो गेंद स्विंग भी हो जाए, आप आराम से इधर खेल सकते हैं और आप आराम से इधर खेल सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हाथ थोड़े से जल्दी आ रहे हैं और उसके बाद ही प्लेज अराउंड हिज पैड। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया होगा, क्योंकि कोचिंग मैंने काफ़ी अर्से की है और काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ काम किया है और ये बड़ी कॉमन चीज़ है। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लें। तो चलें, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की तो वीडियोस चलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।